नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की प्रेरणा से कोरोना संक्रमण से प्रभावित आमजन और बेसहारा पशुओं की मदद के लिए शुरू किया गया जनसेवा का अभियान कोई भूखा ना सोए निरंतर जारी रहा। शहर में लॉकडाउन की शुरुआत से ही चल रहे सेवा कार्यों की कड़ी में भामाशाह विजय कुमार साथड़ेवाला के आर्थिक सहयोग से विभिन्न गौशालाओं को गौवंश के लिए 100 क्विंटल तरबूज भेंट किए गए। माननीय लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राठौर द्वारा चूरू में 100 क्विंटल तरबूज आज 25 क्विंटल आए, कल 25 आएंगे, परसों 25 आएंगे, पंद्रह रोज 25 आएंगे, 25-25 क्विंटल रोजाना 4 दिन लगातार हम गौशाला में ये तरबूज भेज रहे हैं। माननीय राठौर साहब, इस कोरोना को हरने के लिए चूरू जीतेगा, कोरोना हरेगा, इस तहत सारे चूरू में गौशालाओं काम कर रहे हैं, परिंडे लगा की पक्षियों का काम कर रहे हैं और कोई भूखा नहीं सोए, इस तरह का अभियान दिन प्रतिदिन। हमारे साथ चूरू से कौशल जुड़ गए हैं, चूरू से हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। कौशल, अगर बात करें समाज सेवियों की, तो लगातार समाज सेवी हों चाहे राजनेता हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, इस लॉकडाउन की स्थिति में इस दौरान लगातार गरीबों असहायों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौर, उनकी पहल पर क्या ये मदद मुहैया करवाई गई है, क्या जानकारी है? ये मैं यहाँ बताना चाहूंगा आशीष कि लगातार लॉकडाउन के बाद सभी भामाशाह और जनप्रतिनिधि गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में पहले भी राजेंद्र राठौर ने लोगों से जो भामाशाह है उनके सहयोग से 25 लाख रुपए की सहायता गरीब लोगों को कर चुके हैं। इसके अलावा लगातार वो अपने प्रयास से जो भामाशाह है उनको जोड़कर गौशालाएं और गरीब परिवारों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी क्रम में कल विजय सातड़ा वाले उद्योगपति चूरू के, उन्होंने भी खरबूजे जो है वो गौशालाओं को वितरित करवाए। जी सराहनीय कौशल ये पहल कही जा सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब इस तरह से आगे आते हैं और इस तरह से मदद करते हैं समाज की, तो वाकई में एक उदाहरण तो पेश होता ही है और उन लोगों के लिए भी मिसाल होती है, जैसे उद्योगपति सरीखे लोगों के लिए एक तरह से ये मिसाल कायम करती है। ये लगातार राजेंद्र राठौर यहाँ के जो लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ जनता के से जुड़े हुए कामों में उनका सहयोग करते हैं, यही एक बात है जो भामाशाहों को आगे आने के लिए मजबूर करती है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजेंद्र राठौर लगातार लॉकडाउन के दौरान अब दो चरणों में राहत सामग्री वितरित कर चुके हैं, वहीं भामाशाहों के सहयोग से गौशालाएं और आवारा पशुओं के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। जी आशीष जी, कौशल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 12 जिले के अंता के देश दुनिया में नाम कमा चुके राज्य